अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मैशान खान और आप देख रहे हैं मैशान नेटवर्क। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत छोटी सी वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से व्हाट्सएप पर इस्तेमाल होने वाले स्टिकर्स बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे फनी स्टिकर्स, सैड इमोशनल स्टिकर्स बने हुए हैं। लोग अपनी इमेजेस के स्टिकर बनाते हैं या अपनी मनपसंद कोई भी स्टिकर बनाना चाहे ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखकर तो बना लेते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड मोबाइल को यूज करते हुए अपने लिए व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ। तो चलते हैं एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे लिखना है स्टिकर मेकर। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स ओपन हो जाएंगी जिसकी मदद से हम स्टिकर बना सकते हैं। आप किसी भी ऐप को वैसे तो इंस्टॉल करके स्टिकर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ऊपर से पांचवें नंबर पे है, यहाँ पे स्टिकर मेकर फॉर व्हाट्सएप। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के स्टिकर बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इसी को यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये अब हमारे पास ये ऐप ओपन हो रही है दोस्तों। ओपन होते ही यहाँ पे ये लोडिंग ऐड हो जाएगा, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिया गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्लस का निशान आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा होगा। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है किस सोर्स की मदद से आप पिक लेना चाहते हैं, टेक फोटो यानी कि नई पिक्चर बनाना चाहते हैं, ओपन गैलरी, क्या आप अपनी गैलरी में से ओपन करना चाहते हैं या सिलेक्ट फाइल, कोई सिलेक्ट फाइल करना चाहते हैं। तो मैं ओपन गैलरी करता हूँ तो यहाँ पे मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे फर्स्ट पे मैं जाता हूँ कैमरा में, यहाँ बहुत सारी पिक्स मेरे पास मौजूद हैं तो मैं इस पिक को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट पिक है, तो इसको मैं पहले दोनों तरफ से एरो से पकड़ के ये बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये एक फंक्शन है कि इसको मैं ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ। अगर आपको इसको इधर उधर मूव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्रॉप का दिया गया। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो वो क्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करते। यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई है। अब आपको चीज़ें बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ है वो लॉक दिया गया है, क्योंकि मैं लॉक कर दूंगा तो तमाम सबसे फाइल एडिट नहीं होगी। इसको अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे फाइल अनलॉक हो जाएगी। इसके ऊपर सबसे पहले ये है, ये इसको मूव करने के लिए है। उसके बाद ये है इसको बड़ा या छोटा करने के लिए, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इसको दिया गया है। तो मैं इसको इसके मुताबिक रहना चाहता हूँ। ये इमेज की डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, तो मैं इसको डायरेक्शन यही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे कलर डुप्लीकेशन है कि आप कलर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो मैं इसको कलर नहीं लगाना चाहता, कस्टम पे रहने देता हूँ। आगे तमाम ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं इस ऑप्शन को नहीं लेना चाहता। मैं इसको वापस ओरिजिनल में लेके आता हूँ। एक मिनट है, कलर मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे क्रॉस के निशान पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ क्यूट और यहाँ पे टिक का निशान लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्यूट आ गया, आप देख रहे हैं। इसको मैं यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ, जहाँ पे आपका दिल करे। जहाँ पे इसके फॉन्ट्स दिए गए हैं, ये फॉन्ट्स मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ फॉन्ट्स दिए गए हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद कलर स्कीम दी गई है, कलर आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। मैं ये येलो रहने देता हूँ। शेडोज़ क्या है, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड पे वो एक शेडो आ गया, यहाँ पे देखें मैं शेडो रहने देता हूँ, प्यार लग रहा है। बैकग्राउंड्स पे अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इमेज रहने देता हूँ तो इमेज रहेगी। यहाँ पे 3D इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखें आप इस तरह इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये मूव कर सकते हैं ऐसे, अगर आप जहाँ पे करना चाहें एडजस्ट करना चाहें इसको ऐसे कर सकते हैं टेढ़ा। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, वो प्यार लग रहा है। जी दोस्तों ये हो गया, और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लोगो बन चुका है। यहाँ पे ऐड टू व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ऐड टू व्हाट्सएप पे आप ऐड कर दें तो आपका स्टिकर व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था व्हाट्सएप स्टिकर बनाने का। वैसे बहुत सारी ऐप हैं जिससे आप बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी ऐप थी जिसमें आप अपना
स्टिकर बना सकते हैं जो कि मैंने बना दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको WhatsApp के लिए स्टिकर बनाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।